ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा श्री चैतन्य चरितामृत। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य लीला में और चैप्टर 6 प्यार संख्या 269 हमने पढ़ा था, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान के शरीर में समा जाना उनके तेज में समा जाने से भी अधिक निंदनीय है, इसको हमने समझा था थोड़ा सा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मायावादी वेदांतियों के अनुसार जीव की चरम सफलता निर्विशेष ब्रह्म में समा जाना है। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का शारीरिक तेज ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक के नाम से विख्यात है। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का शारीरिक तेज ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक के नाम से विख्यात है। ब्रह्म संहिता के अनुसार यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, भौतिक ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर की किरणों से उत्पन्न होते हैं। पतंजलि के नियमों का पालन करने वाले योगी परम सत्य के व्यक्तित्व को मानते हैं, किंतु वे भगवान के दिव्य शरीर में समा जाना चाहते हैं, यही उनकी मनोकामना होती है। तो पतंजलि के नियमों करने वाले यानी कि जो योगी होते हैं वो क्या चाहते हैं, भगवान के शरीर में समा जाना, यानी कि शरीर को मानते तो हैं व्यक्तित्व को, लेकिन उसमें समा भी जाना चाहते हैं, यह उनकी मनोकामना है। भगवान सबसे महान अधिकारी होने के कारण लाखों लोगों जीवों को आसानी से अपने शरीर में समा जाने दे सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारी वस्तुओं के उद्गम है, लेकिन ध्यान रखिए शरीर में समाने के बाद भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगे कि वो समाप्त हो गए, जैसे कि समुद्र के अंदर एक बूंद गिरती है पानी की, तो पानी में एक तरह से ऐसा लगता है कि पानी में समा गई, वास्तव में समुद्र कुछ नहीं है, बूंदों का ही ढेर है। हटली मिल्टी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भी भरता है। जब बूंद पानी में गिरती है तो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करती है, ध्यान रखिए वो अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जैसे कि पेड़ जो है, दूर से पेड़ जो है केवल हरा हरा कुछ दिखता है, जितना पास जाएंगे उसमें एक एक पत्ती अलग अलग दिखेगी, दूर से केवल हरा पेड़ दिखेगा। उसी तरह से तो हम लोग अगर भगवान में समा भी जाते हैं, ये लोग जो इच्छा करते हैं, वो अपना अस्तित्व नहीं समाप्त करते, क्योंकि जीव का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, भगवान जैसा गीता में बताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारी वस्तुओं के उद्गम है, उनका शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति ब्रह्मलोक या सिद्धलोक कहलाता है। इस तरह ब्रह्मलोक या सिद्धलोक ऐसा स्थान है जहाँ स्फुलिंग के समान अनेक जीव एकत्र हैं। हाँ, स्फुलिंग के समान छोटी चिंगारी या जैसे जुगनू होता है, लाइक जुगनू, जुगनू की तरह बहुत सारे जीव वहाँ पर एकत्र हैं जो भगवान के अंश हैं। चूँकि ये जीव अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना नहीं चाहते हैं, अतः उन सबको मिलाकर ब्रह्म लोक में रहने दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरणों में अनेक परमाणु कण रहते हैं। सिद्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, सिद्ध उस व्यक्ति का सूचक है जिसे ब्रह्म तेज का साक्षात्कार हो चुका है, जिसे इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि जीव भौतिक परमाणु नहीं है अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग है। भगवद्गीता में इसे ब्रह्मभूत कहा गया। बद्ध अवस्था में जीव भूत कहलाता है, और जब ब्रह्म को समझ जाता है, ईश्वर के अपने अस्तित्व को समझ जाता है, हाँ, तो उसको हम ब्रह्मभूत कह देते हैं, अर्थात पदार्थ के भीतर प्राण शक्ति। जीव भूत के लिए ब्रह्मभूत जीवों को ब्रह्मलोक या सिद्धलोक में रहने दिया जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी उनका भौतिक जगत में पुनः पतन हो जाता है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा में लगे हुए नहीं है। हाँ, तो ये एक्चुअली हर उस व्यक्ति के लिए एक तरह की चेतावनी है जिसके पास सेवा नहीं है, जो कि शरणागति नहीं है किसी के प्रति, क्योंकि किसी के प्रति, किसी गुरु के प्रति, देखिए यूट्यूब और एक पर्सनल व्यक्ति में ये फर्क है। यूट्यूब कभी आपको सेवा नहीं देगा, लेक्चर तो दे देगा। तो जब हम किसी की पर्सनल गाइडेंस में होते हैं तो क्या होता है, हमें सेवा मिलती है, एंगेजमेंट भी मिलती है, उस एंगेजमेंट के कारण हम बचे रहते हैं। नहीं तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी यदि हमारे पास हो, यदि क्या होती नहीं है वहाँ पर सेवा, तो इस प्रकार से कभी कभी प्रभुपाद बता रहे हैं वहाँ से व्यक्ति भौतिक लोक में फिर से गिर जाता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सेवाएँ भी हों, एंगेजमेंट्स हो, कृष्ण भावनामृत में एंगेजमेंट्स। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक द्वारा की गई है 10.2.32 में। ये आधे मुक्त जीव मुक्त होने का झूठा दावा करते हैं। ये आधे मुक्त है, एक्चुअली में वास्तव में पूरी तरह से मुक्त नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से मुक्त वही माना जाता है जो भगवान की सेवा में लगा है। किंतु जब तक भगवान की भक्ति में सेवा नहीं की जाती, तब तक जीव भौतिक रूप से दूषित बना रहता है। तब तक वो दूषित ही है, क्योंकि उसने अपना स्वभाव ही नहीं समझा, आधा स्वभाव समझा उसने, आधा समाज ये समझ लिया कि जो हम कल गीता में हम बता रहे थे कि नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दयति भावकः, उसको समझ में आ गया कि मैं तो अजर अमर हूँ,
लेकिन इतना इनफ नहीं है। अजर अमर होने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हम अजर अमर क्यों हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम अजर अमर हैं और उनकी सेवा करना हमारा असली कार्य है। इसलिए ये जीव विमुक्त मानिना कहे गए, जिसका अर्थ है कि वे केवल अपने आप को भ्रांतिवश मुक्त मानते हैं। कई लोग इसलिए अपने आप को क्या मानते हैं, भक्त मानते हैं। लेकिन भक्त वही है जिसके पास भक्तिमय सेवा हो। और अगर हम इस प्रचार इस संप्रदाय के हैं, तो इस संप्रदाय में तो प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज असेंस। अल्टीमेटली हम गुरु के साथ उनके संरक्षण में, उनके डायरेक्शन में कुछ प्रीचिंग एक्टिविटीज कर रहे होंगे। यदि भी सिद्ध लोग तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु वे वहां स्थायी रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि वह आनंद से विहीन होते हैं। ये जीव ब्रह्मभूत स्थिति पर होने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के रूप में भगवत साक्षात्कार करने पर भी भगवान की सेवा की उपेक्षा करके करने के कारण नीचे गिर जाते हैं। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसका वे ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। आनंद से वंचित रहने के कारण भौतिक जगत का भोग करने के लिए नीचे आ जाते हैं। यह अवश्य ही मुक्त लोगों के लिए पतन है। भक्तगण ऐसे पतन को नरक जाने के समान मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इस आत्मा का जो लक्षण है वो है चेतना। चेतना के कारण ये दिखती है, चेतन का, जैसे चेतना चेतन, चेतना से ही चेतन भी निकलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आत्मा को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए चाहिए। इसलिए भौतिक जगत में आप देखते हैं कि लोग कितना काम करना चाहते हैं। लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद लोग पागल हो जाते हैं दिमाग से, क्योंकि काम खत्म हो जाता है। उन्हें ऐसा वेट करते हैं रिटायरमेंट की, एक दिन मेरी रिटायरमेंट होगी, इस काम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसी रिटायरमेंट होती है, मैंने देखा लोगों की मेंटल स्थिति खराब होने लगती है। हर व्यक्ति को यहाँ पर कुछ काम चाहिए ही। तो यही कारण है कि जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाता है, तब भी उसको काम चाहिए। अब या तो हम माया की सेवा करें या हम कृष्ण की सेवा करें, ये हमारी ऑप्शन है। पतंजलि योग के अनुयायी वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान के विषय में जानते हुए भी उनकी सेवा नहीं करना चाहते। ऐसा भी हमारे साथ होता है। देखिए, कई बार हम सेवा से, जैसा अक्सर हमें लगता है कि जब सेवा समाप्त होगी, जैसे कि लगता नहीं आपको, हमें पहले लगता था जब स्कूल ख़त्म होगा 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो कितना आनंद आएगा। फिर हमें धीरे धीरे लगने लगा जब ऑफिस की छुट्टी होगी तो कितना आनंद आएगा, है ना। भौतिक लोगों की अगर बात करें तो जब वीकेंड आता है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये वीकेंड बढ़ता चला जाए और बोला जाए 1 महीना 2 महीना, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा है, तुम्हें घर पे ही रहना है, तब उन्हें लगता है यार इससे तो ऑफिस में बढ़िया था, थोड़ा चहलकदमी हो जाती थी, थोड़ा ऊपर नीचे, अब तो कंप्यूटर में बैठे ही रहते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से भक्ति के अंदर भी हमें कई बार लगता है बहुत सारी सेवाएँ हो गई, बहुत कुछ हो गया है, हाँ अभी थोड़ा कम हो जाए तो कितना अच्छा है। बड़ा आनंद मिलता है जब सेवा कम होने लगती है। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, यदि ये कम हो जाएगी तेन यू विल रियलाइज कि हमने कितना बड़ा गलती कर दी। तो इसलिए ये वही ब्रह्म ज्योति जिसके लोगों की इच्छाएं हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो केवल वो कहते हैं जी बस भगवान के साथ आनंद आ रहा है अपन। जैसे कई लोग संसार में, हम लोग जिनको सहजिया कहते हैं, वो भक्ति योग करते हैं, ऐसा उनको लगता है कि वो भक्ति योग हैं, भक्ति हैं, लेकिन वास्तव में उनकी एक्टिविटीज़ कुछ करते नहीं हैं वो, देर इज़ नो एंगेजमेंट। इसलिए कई बार हमारे आचार्य बताते हैं कि इस समय पर भी केवल इस्कॉन का प्रचार क्यों चल रहा है, इतनी सारी संप्रदाय, इवन 4 वैलिड संप्रदाय के अंदर भी, जिसको हम 4 वैलिड संप्रदाय बोलते हैं, श्री संप्रदाय, 4 कुमार और रुद्र संप्रदाय के अंदर भी सबसे ज़्यादा इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हो रही है इस्कॉन में, क्यों हो रही है, क्योंकि भक्त लोग बड़े कर्मठ हैं, वो कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, अनलिमिटेडली कर रहे हैं। इतना तो कोई भौतिक जीवन में नहीं करता जितना वो कर रहे हैं, इसी कारण पड़ रहा है और इसी कारण वो प्रसन्न भी हैं। लेकिन हमें लगने लगता है कि एक दिन ब्रेक मिले, एक दिन तो ब्रेक मिले इससे। ध्यान रखने का, ये इच्छाएं गलत हैं। अगर आती भी हैं, हमें समझाना पड़ेगा कि ये अगर चला जाएगा तो बड़ा दुख का विषय हो जाएगा। अतएव इनकी स्थिति तो उनसे भी बदतर है जो भगवान के तेज में समा जाना चाहते हैं। ये योगी भगवान के शरीर में समा जाने हेतु भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप पर ध्यान करते हैं। पतंजलि पद्धति में कहा, मैं भगवान के स्वरूप को क्लेश कर्म विपाक काश येर परामृष्टा, हाँ, पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया, अर्थात पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कष्टमय भौतिक जीवन के भागी नहीं। योगी जन अपने मंत्र में परम पुरुष की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च होता है और काल द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये भी वो कहते हैं। इस तरह पतंजलि पद्धति के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं, तथापि उनके अनुसार
वे मानते हैं कि वे सिद्ध सिद्ध अवस्था में पुरुष की धारणा का लोप हो जाता है। उनके वर्णन के अनुसार उनका विश्वास है कि पूर्ण बन जाने पर कोई भी पुरुष नहीं बना रहता रह सकता। यह योग पद्धति इसलिए निंदित नहीं है क्योंकि इसकी अंतिम धारणा निर्विशेष है, कि वो अंत में जब वो सिद्ध हो जाता है तो वो पुरुष नहीं रहता अलग से, वो भी भगवान ही बन जाता है, एक तरह का निर्विशेष हो गया। ये अभी तक तो विशेष की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है अंत में उनका जो अंतिम है, और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हम कहते हैं कि भगवान के धाम में जाएंगे भी तो वहाँ पर भी इटर्नली भगवान की सेवा करेंगे। हम जानते हैं कि गोपियाँ हमेशा भगवान की सेवा में लगी हैं, राधा रानी को असिस्ट कर रही हैं लीलाओं में, गोपियों को मंजरियाँ असिस्ट कर रही हैं, और हमें उन्हें असिस्ट करना है। इस प्रकार से भगवान के धाम में भी हमें इटर्नली सेवा में लगे रहना है, इसलिए सेवा करने की आदत डालिए इसी जीवन में, अदरवाइज वहाँ पर कैसे कर पाएंगे अगर जाएंगे तो इसलिए ये निंदनीय है। हाँ, ये सबसे बड़े अभागे हैं क्योंकि परम सत्य की साकार धारणा से अवगत होते हुए भी वे भगवान की भक्तिमय सेवा की उपेक्षा करते हैं और इस तरह पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंगेजमेंट, भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करने के कारण योगी पुनः भौतिक जगत में गिर जाते हैं। और हम आपको बताएं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर निकालना हो तो कई बार जरा पॉलिटिकल मैटर हो जाते हैं कि निकाला कैसे जाए एक एम्प्लॉय को, तो क्या करते हैं कई बार इंटरनली उससे काम सारा हटा लेते हैं। जबकि काम हटाने वाले को फ्री में सैलरी मिले तो उसको तो काम करना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े महीनों में खुद ही छोड़ देता है, ऐसा होता है बिल्कुल। चाहे फ्री में सैलरी मिली है, को नोबडी इज सेइंग समथिंग एनीथिंग, बट उससे धीरे धीरे काम ले लिया, इसका इधर दे दिया इधर दे दिया, वो खाली छोड़ दिया, उसको खाली रहो, अपने आप ही छोड़ देता है। उसी तरीके से ऐसे लोगों का अपने आप ही इस सिद्ध लोक से या ब्रह्म ज्योति से भगवान के में मिलन होने के बाद भी पतन हो जाता है, बता रहे फिर से इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करने के कारण ये योगी पुनः भौतिक जगत में गिर जाते हैं। अतएव योग का यह मार्ग निर्विशेषवादियों के मार्ग से भी बदतर है। यानी कि ये योगी विशेषवादी थे लेकिन बाद में भगवान में मिल गए, तो ये निर्विशेषवादियों से भी बिल्कुल गिर गए। इसकी पुष्टि भगवान कपिल देव के कथन से होती है, जो कि ऐसा दिया गया भागवत का श्लोक, सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य कत्वमप्युत दीयमानं नागृहन्ति विना मत्सेवनं जना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अंत में कहा, समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान किए जाने पर भी शुद्ध भक्त उसे स्वीकार नहीं करता। तो आपको फिर से कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक श्लोक बोला, उस श्लोक को बदल के बोल दिया, उसमें मुक्ति पदे को हटा के भक्ति पदे कर दिया। अब उसको समझा रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया चैतन्य महाप्रभु, कि उसके चक्कर में उन्होंने सारी मुक्तियां समझाई कि मुक्ति नहीं चाहिए, शुद्ध भक्त कभी नहीं मांगता है, वह भगवान की सेवा में लगे रहने से ही संतुष्ट रहता है। अब प्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, तुमने श्लोक बदल तो दिया लेकिन अब मेरे से भी सुन लो। प्रभु कहे मुक्ति पदे आर अर्थ हय, मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पदे शब्द का अन्य अर्थ है, मुक्ति पद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। अब बताएंगे कि कैसे, ये श्लोक में कोई गलती नहीं है, वास्तव में श्रीमद् भागवत में कोई गलती नहीं है, गलती हमारे समझने में होती है, राइट। और उसको सही तरीके से समझने के लिए हमें गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम इस परंपरा से आप समझेंगे कि वास्तव में मुक्ति का इस श्लोक के अंदर क्या मतलब है। मुक्ति पदे यार से ही मुक्ति पद हया किम व नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय, क्योंकि सभी प्रकार की मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में विद्यमान रहती हैं, अतएव वे मुक्ति पद कहे जाते हैं। तो जब बोला गया श्लोक में मुक्ति पदे, तो एक तरह से हम भगवान को बोल रहे हैं, मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुक्ति पदे, उनकी शरण मिले। मुक्ति पदे कौन है, जिनकी जिनके चरणों में सारी मुक्तियां रहती हैं, वो भगवान ही तो हैं। हाँ, तो इस प्रकार से मुक्ति पद कहे जाते हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवां विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण मुकुंद भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि समस्त प्रकार की मुक्तियाँ प्रदान करके दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिनमें से 9 स्कंद में विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है, किंतु 10वां स्कंद मुक्ति की व्याख्याओं का वास्तविक केंद्र है। कहोगे 10वां स्कंद, 10वां स्कंद तो भगवान की लीलाओं का है, मुक्ति की व्याख्याएं, क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में जिनकी चर्चा की गई है
उनके विषय में, उन विषयों में दसवें विषय है, चूंकि सभी प्रकार की मुक्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में वास करती हैं, इसलिए उनको मुक्ति पद भी कहा जाता है। दुई अर्थ कृष्ण कही कहने पाठ फिरी सार्वभौम कहे ओ पाठ कही ते न पारी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चूंकि मैं इन दोनों अर्थों से श्री कृष्ण को समझ सकता हूँ, फिर श्लोक को बदलने की क्या आवश्यकता है। समझ में आया? तो एक तो बताया कि अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवां विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं, जो कि दसवां विषय है, जैसा हम दसवां कैंटे कैंटो भी कहते हैं। और मुक्ति पद है भगवान को खुद ही बताया गया, उनका खुद ही नाम भी है। तो जब मैं ऐसा समझ सकता हूँ तो मैं श्लोक को बदलूँ क्यों? सारण भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं श्लोक का वह पाठ नहीं कर पा रहा था, इस तरह से नहीं समझ पा रहा था मैं इसको। हाँ, यद्यपि तुम्हारा अर्थ यही शब्द कहे तथापि आशीलश्य दोषे कहन ना याए। यद्यपि आपकी व्याख्या सही है किंतु मुक्तिपद पद में असमंजता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति इसको गलत भी तो समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु, इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है। आपने क्लियर कर दिया, आपकी व्याख्या सही है, लेकिन फिर भी यद्यपि मुक्ति शब्द हय पंच वृत्ति रूढ़ी वृत्य कहे सबू सायुज्य प्रतीति। मुक्ति शब्द पांच प्रकार की मुक्तियों का द्योतक है, किंतु सामान्यता इसका मुख्य अर्थ सायुज्य की प्रतीति है, इसलिए जब मुक्ति बोला जाएगा तो हर आदमी तो यही समझेगा ना इसको। मुक्ति पदे कहिते मने हय घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहिते मने हयत उल्लास। मुक्ति शब्द की ध्वनि मात्र से मन में घृणा और भय का भाव होता है, किंतु जब हम भक्ति कहते हैं तो हमारे मन में दिव्य आनंद की सहज अनुभूति होती है। ये वही व्यक्ति है जो थोड़े दिन पहले निर्विशेषवादी था, वो बोल रहे हैं ऐसे, सुनिया हसेन प्रभु आनंदित मने भट्टाचार्य कैल प्रभु दृढ़ आलिंगने। यह व्याख्या सुनकर महाप्रभु हंसने लगे, तुरंत ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भट्टाचार्य का दृढ़ आलिंगन कर लिया, जोर से अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि इतना भक्ति में तात्पर्य। इसीलिए आप देखिए, इसीलिए प्रभुपाद से भक्त भगवान प्रसन्न हो या ना हो, कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने परपर्स को बदल दिया। हाँ, बदल नहीं दिया, उनकी सही व्याख्या करी। प्रभुपाद ने हर जगह भक्ति 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 कर दिया, यही तो सही व्याख्या है। देखिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बड़े प्रसन्न हैं वास्तव में, लेकिन आगे बताते हैं कि यही भट्टाचार्य पढ़े पढ़ा या मायावादे तार एछे वाक्य सूरे चैतन्य प्रसादे। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन पढ़ने और पढ़ाने का अभ्यस्त था वही अब मुक्ति शब्द से घृणा कर रहा है। यह सब केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हो पाया। लोहा के यावत स्पर्शी हेवना ही करे तावत स्पर्श मणि के चीनी ते ना पारे। जब तक स्पर्श मणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना ना बना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात पत्थर को स्पर्श मणि के रूप में नहीं जान सकता। कैसे पता चलेगा कि ये साधु है? जब वो आपके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज रोपण कर देगा, तभी तो पता चलेगा कि वही यही साधु है। किससे सुनना चाहिए, जो अक्सर डिस्कशन होता है, किससे सुने? आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, आप लोग तो बड़े कट्टरवादी हो, कहते हो हमसे ही सुनो। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बंद कर दीजिए, कहीं और सुनने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या होता है। तो वाकई में साधु पुरुष वही है जो आपके हृदय में भक्ति का बीज आरोपण कर पाए, उसी से पता चलता है। उसी तरह बता रहे हैं कि यह पारसमणि का पता चलता है तभी जब वो सोना बना दे, तब तक आप किसी को भी पारसमणि कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन प्रभु के जानील साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सार्वभौम भट्टाचार्य की दिव्य वैष्णवता देखकर हर व्यक्ति हैरान था, परेशान था, ये क्या हो गया इस आदमी को, ये क्या से क्या बन गया। ये जान सका, हर व्यक्ति जान सका कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता है। जो ऐसे कट्टरवादी को इतना कोमल हृदय का बना दे कि जो वेदांत दर्शन वेद को पढ़ने के लिए पागल था, वो आज जो है भागवत के श्लोक को भी बदलने को तैयार है, क्योंकि वहाँ पे उसको मुक्ति वर दिख रहा है, हाँ, जिसको भक्ति से बदलना चाह रहा है। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि केवल भगवान ही कर सकते हैं। लोगों को समझ में आ गया, तो ऐसे ऐसे लोगों को भगवान ने बदला। काशी मिश्र आदि यत नीला चलवासी शरण लैलव सवे प्रभु पदे आसी। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण कमल की शरण में आ गए। काशी मिश्र भी जो थे एक बहुत बड़े एक तरह के पंडित थे, मंदिर के, बड़ी ऊंची इनकी पोजीशन थी, इनको घर मिला हुआ था अलग से।
तो ऐसे जितने भी लोग थे जगन इनके सार्वभौम भट्टाचार्य जब कन्वर्ट हुए तो बहुत सारे लाख लोग इनके साथ साथ महाप्रभु के चरणों में आ गए। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती जो कि प्रकांड विद्वान थे बनारस के, जब प्रकाशानंद सरस्वती भक्त बन गए तो सारे के सारे जो लोग उनके अंडर सारे हजारों लोग थे तो सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ गए। जैसे प्रभुपाद कहते थे गैंडे का शिकार करने जाओ, गैंडे का हाँ क्या छोटे मोटे शिकार करने में लगे हो। तो इस प्रकार से हाँ प्रचार में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, कोशिश करें, क्योंकि हमारा असली उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के पास हरि नाम पहुंच सके। तो सारे के सारे लोग भगवान के चरण शरण में आ गए। सही सब कथा आगे करीब वर्णन, सार्वभौम करे यही छे प्रभु रसेवन। मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार महाप्रभु की सेवा में सदा लगे रहते थे, यानी कि आगे की लीलाएं जो होंगी उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे क्या क्या लीलाएं करी। अभी वो क्या कह रहे हैं अभी तो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो ये जो है चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है। ये इच्छे परिपाटी करे भिक्षा निर्वाहन विस्तार या आगे तहाँ करीब वर्णन। मैं इसका भी विस्तार से वर्णन करूँगा कि किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने भिक्षा देकर भी चैतन्य महाप्रभु की सम्यक सेवा की। एई महाप्रभु लीला सार्वभौम मिलन इहा यही श्रद्धा करी करय श्रवण। ज्ञान कर्म पाश हई ते हय विमोचन अचिरे मिलय तारे चैतन्य चरण। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के मिलन से संबंधित इन लीलाओं को सुनता है तो वह तुरंत ही मानसिक तर्क वितर्क सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि इनसे मुक्त होना है। अगर हम मुक्त नहीं भी हुए तो तर्क वितर्क से मुक्त होना है, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होना है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त करता है। ठीक है, तो केवल श्रवण करने से कीर्तन करने से इतना लाभ है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरिता मृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार मध्य लीला के छठे अध्याय का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। और हम शुरू करेंगे छठा सातवां अध्याय। ओके, महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। इंटरेस्टिंग है, महाप्रभु ने बहुत सारी जगहों में दर्शन किए साउथ इंडिया में, और जिन जिन जगह पे महाप्रभु गए अगर हमें चांस मिले तो हमें उन जगहों में जाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यम नम नौमि चैतन्यम वासुदेवम दयादृघी नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकार। यह चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। अभी ये कथा नहीं बता रहे लेकिन उनको ग्लोरीफाई करने के लिए बता रहे हैं कि वासुदेव जो है एक ब्राह्मण थे जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, हाँ चैतन्य महाप्रभु को उनको उनके कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। देखिए कई बार भक्त लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग भूल जाते हैं सारी कथाएं, पता नहीं क्यों सारी कथाएं भूल जाते हैं कि स्वयं पांडवों के ऊपर कितना दुख आया। सबसे ज्यादा दुखी तो पांडव ही रहे। सनातन गोस्वामी को चर्म रोग हो गया जबरदस्त कि उनके स्किन में से खून निकलने लगा। वासुदेव विप्र को जबरदस्त कोढ़ हो गया, हालांकि दुष्टों को भी कोढ़ हुआ चैतन्य चरितामृत में, लेकिन भक्तों को भी हुआ। देखिए आप कहोगे जी जो भक्तों के साथ हो रहा है वही दुष्टों के साथ हो रहा है, लेकिन महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर थी, वो भगवान के बिल्कुल शरणागत थे, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी रक्षा क्यों नहीं करी गई। तो वासुदेव विप्र एक महान भक्त थे, उन्होंने दिखाया कि कैसी ऐसे दुखद अवस्था में भी भगवान की शरणागति करी जा सकती है। सनातन गोस्वामी ने दिखाया कि कैसे ऐसी दुखद अवस्था में भी अपनी विनम्रता को बनाए रखा जा सकता है, ऐसा उन्होंने दिखाया।
तो इसलिए उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। एई मते सार्वभौमेर निस्तार करीला, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिला। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। तो हमारे भी यही हमेशा सोचते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने आप समझ लिया, दो चार लोगों को जोड़ दिया, निरंतर जिससे भी मिले उसी से उसी को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, किसी प्रकार वो भक्ति में जुड़ जाए, यही हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम जाते हैं, ऑफिस में, काम से, ट्रैवलिंग पे, हमारे पास हमारे अस्त्र शस्त्र रेडी रहने चाहिए जिससे हम किसी को भी भक्ति में जोड़ सकें। हम अपने साथ माला लेके जा सकते हैं, हमारे पास एक जपा कार्ड है, कैसे जपा किया जाए उस जपा कार्ड को लेके जाइए, क्योंकि कहीं भी किसी को पंचतत्व मंत्र बताना पड़ सकता है। हम अपनी जूम आईडीज बता सकते हैं, उसको लोकल इस्कॉन के मंदिरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जहाँ पर भी हम गए, ऐसे कई चीज़ हम कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा कि भारत के दक्षिण भारत में प्रचार किया जाना चाहिए। अब माघ शुक्ल पक्ष प्रभु करिल संन्यास, फाल्गु ने असिया कैल नीलाचल वास। ये चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास में के शुक्ल पक्ष में संन्यास लिया था, उसके अगले मास फाल्गुन में वे जगन्नाथपुरी में गए और वहीं पर रहे। एक महीने में ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। फाल्गुनेर शेष दोल यात्रा से देखिला, प्रेमा वेशे तहां बहु नित्य गीत कैला। फाल्गुन मास के अंत में जब वो पहुंचे थे, उन्होंने दोल यात्रा उत्सव देखा जगन्नाथपुरी का, और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन और विविध प्रकार का नृत्य किया, जिसके बारे में चर्चाएं होंगी आगे। चैत्र रही कैल सार्वभौम विमोचन, विशाखेरा प्रथमे दक्षिण जयते ही लमन। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का नित्य निश्चय किया। यानी कि फाल्गुन में जब वो आए तो उन्होंने दोल यात्रा किया, चैत्र में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और विशाख में यानी कि अगले तीसरे महीने में लगभग उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर बोला, निज गणी आनी, निज गण आनी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाया श्री हस्ते धरिया। तोमा सबा जानी आमी प्राणाधिक करी, प्राण छाड़ा याया तोमा सबा छाड़ी तेना पारी। सबको बुलाया और उनके हाथ पकड़कर बने विनम्रता से बोले, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम लोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है। तो एक तरह से जाने के पहले वहाँ का बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बता रहे हैं कि मुझे छोड़ना लेकिन पड़ेगा, क्योंकि हम सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रचार का कार्य ज़्यादा मुख्य है, सेवाएँ ज़्यादा मुख्य है। हम लोगों के बीच में इतना प्रेम है इस परिवार के अंदर। जनरली लोग परिवार के लोग क्या करते हैं, परिवार में जब प्रेम होता था, जॉइंट फैमिली क्या करती हैं, जॉइंट फैमिली एक साथ मिलकर खाती हैं, गप गोष्ठी करती हैं और इसमें बड़ा आनंद आता है। कभी किसी जॉइंट फैमिली को आप देखेंगे या कभी पारिवारिक रीयूनियन होती है तो सब लोग आते हैं और कुछ ना कुछ हंसी मजाक ठहाका इसमें आनंद लेते हैं। ये है साधारण परिवार और एक है कृष्ण भावना मृत का परिवार। जो कभी साथ में आता है तो हरिनाम करता है, हरि कीर्तन, और अक्सर साथ में आ भी नहीं पाता है क्योंकि इतनी सेवाओं में लगा होता है। तो साथ में आने की इच्छा होती है लेकिन फिर भी क्योंकि सेवाएं प्रमुख हैं इसलिए वो अक्सर सेवाओं में ही लगा रहते हैं, उस परिवार में मिलन होना मुश्किल होता है। और जब मिलन होता है तो कैसे होता है, वो भी कृष्ण कथा से होता है। तो भगवान जो है अब इस परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि लेकिन बता रहे हैं पहले और विनम्रता से कह रहे हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्हीं के तो सारे भक्त हैं, वो कह सकते हैं आई एम गोइंग, ओके फ्रॉम टुमारो मैं अब आपके साथ से मिलूंगा 2 साल बाद, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उनके हृदय को जानते हैं। तुम ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य कैला, यहाँ आनी मोर जगन्नाथ देखा हीला। तुम सब मेरे मित्र हो, तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी में लाए और मुझे मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया और अपना मित्र होने का कर्तव्य निभाया। अब क्या जाने कि चैतन्य महाप्रभु
उन लोगों को लाए सबको, या चैतन्य महाप्रभु को वो लोग लाए, है ना। और किसने किसके दर्शन कराए वाकई में, चैतन्य महाप्रभु ने ही तो अपने दर्शन कराए। हाँ तो लेकिन कह रहे हैं कि तुमने मुझे दर्शन कराए, तुम बड़े मित्र हो मेरे। एबे सवा स्थाने मुई मांगो एक दाने, सबे मेली आज्ञा देया सियाई बा दक्षिण। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ, कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। दान मांग रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु दान मांग रहे हैं। खुद को जानेगा जो जिसने संन्यास ले लिया है, जो अपने घर को छोड़ चुका है, उसको किसी से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। और जो कि स्वयं भगवान हो तो वो अपने भक्तों से, ये होता है भक्तों का जो आपसी बातचीत करने का तरीका है वो ये नहीं है, हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी ये सेवा है, आप इतने बजे टाइम पे पहुंच जाना, प्रभु जी लेट मत करना, आप हर बार लेट हो जाते हो। ये थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज है। हम बोल सकते हैं प्रभु जी आपको ये सेवा लगाई गई है, आप कर पाएंगे प्रभु जी, आपको समय मिल पाएगा यदि आप कर पाएँ तो, हाँ आप क्या टाइम पे पहुंच पाएंगे, कोई व्यवस्था तो नहीं है आपकी, आप कहीं और बिजी तो नहीं है, ऐसे करके बोला जाता है। यदि हमारी लैंग्वेज ऐसी नहीं है तो हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में होने के लायक नहीं है। इस लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों से इस प्रकार से बात करते हैं। कई बार जब हम पुराने हो जाते हैं तो हम लीडर बन जाते हैं, और लीडर बनने के बाद हम ऐसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं, ऐसा करिए ये करिए। तो ये बड़ा, इसको ज़रा ध्यान रखिए इन चीज़ों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मैं हक से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है, आपकी वो लैंग्वेज ही बन जाती है फिर हर तरफ। वो हक जताने की लैंग्वेज हर जगह बन जाती है, और आप ये जानते ही नहीं कि सामने वाला उस हक को पसंद भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए बड़ी ही विनम्रता से भक्त अक्सर रहे तो अच्छा है। कैसे बोले कि क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे, एक दान मांग रहा हूँ आपसे। विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमियाब एका किया ही कहो संगे ना लई। विश्वरूप की खोज करने जाऊंगा। विश्वरूप कौन है, इनके ब्रदर हैं जिन्होंने इनसे भी पहले संन्यास लेके अपना घर छोड़ दिया था। तो मैं विश्वरूप की खोज करने जाऊंगा, तुम लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मुझे मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। सेतु बंद हई तयामी ना आसी यावत, नीला चले तुम्ही सब रही बेतावत। तब तक मैं जब तक मैं सेतु बंद से लौट ना आऊँ, तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना, यानी कि मैं नीचे तक जाऊँगा एकदम दक्षिण भारत में। सेतु बंद तो जाऊँगा ही, चैतन्य महाप्रभु आगे कन्याकुमारी तक जाते हैं, तो मैं जब तक वहाँ से लौट के ना आऊँ तुम लोग यहीं पर रहना। ये ना हो कि मैं जाऊँ और पीछे से सारे लोग ये एक एक करके वहाँ से निकल पड़े मुझे ढूंढने के लिए, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ हो, हम मर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जगन्नाथपुरी में ही रहना। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देश उद्धारित करे न ही छल। चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं। विश्वरूप तो जा चुके थे, जो कि अंत में पता चलेगा पंडरपुर में जाकर, लेकिन फिर भी वो तो पहले जानते थे, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे वे दक्षिण भारत में जाकर वहाँ के लोगों का उद्धार कर सके। उन्हें बहाना चाहिए था, इतने हम्बल हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे सबका उद्धार करना है, मैं जरा प्रचार कार्य पे निकल रहा हूँ, मतलब मैं तो अपने भाई को खोजने निकल रहा हूँ बस। वास्तविक उद्देश्य क्या था, प्रचार करना। सुनिया सबार मन हैला महा दुख, निशब्द हैला सबार शुकाइला मुख। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से समाचार सुनकर सारे भक्त अत्यंत दुखी हुए, उनके मुंह सूख गए और वे मौन हो गए। हम लोगों का भक्तों से इतना अटैचमेंट हो जाता है, सोचिए कृष्ण हमारे बीच में रहने लग जाएं तो उनसे कितना अटैचमेंट होगा। जब भक्त इतने सुंदर हैं, हाँ, कि उनके साथ बैठने में इतना आनंद आता है, तो कृष्ण कैसे होंगे। साक्षात कृष्ण वहीं पर थे और वो कह रहे हैं अब मुझे जाना होगा। जिनके साथ वो कृष्ण के साथ नित्य व्यवहार कर रहे थे, नित्य रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, और कृष्ण कहते हैं कि मुझे जाना होगा, तो उनके मुँह सूख गए। लेकिन वो करेंगे वही जो कृष्ण ने बोला है, जैसे कि प्रभुपाद के साथ होता था। अब प्रभुपाद के लिए लोग मरते थे, है कि नहीं, कईयों के गुरु थे, बेचारों ने अपने गुरु को एक एक बार देखा था अपने जीवन में, कईयों ने देखा ही नहीं था गुरु को, दीक्षा भी ले ली थी ना, डाक दीक्षा, लेकिन फिर भी चैतन्य, फिर भी शिला प्रभुपाद उन्हें बोलते थे तुम वहाँ का मंदिर देखो, तुम वहाँ का मंदिर देखो, तुम वहाँ का मंदिर देखो, तुम वहाँ का मंदिर देखो। कभी कभी मायापुर में चैतन्य महाप्रभु, सॉरी प्रभुपाद, सबको बुलाते थे, अब सब लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ, अपनी अपनी जगह हो गया, इधर आओ, फिर वो लोग आते थे, हाँ, और फिर चले जाते थे। तो यही है
इसी प्रकार से हमें करना है, चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार से किया। तो इसमें आसक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली आसक्ति किसको कहते हैं, जब इंस्ट्रक्शन के प्रति हमारी रुचि हो, सेवाओं के प्रति हमारी अटैचमेंट ज़्यादा हो। नहीं तो भगवान के शरीर से मिल जाना तो अभी अभी हमने समझाया, ये तो समस्या ही है अपने आप में। तो वो मौन हो गए। नित्यानंद प्रभु कहे एछे कई छे हया एका किया इवे तुम्ही एक इहा सहय। नित्यानंद प्रभु ने कहा यह कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाएं, इसे कौन सहन कर सकता है। अब यहाँ पर सच बात यह है कि नित्यानंद प्रभु ऐसा भाव नहीं है कि मैं ही साथ में रहूं, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी व्यक्ति को ही साथ में भेजेंगे। तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है आप अकेले जाएंगे। दुई एक संगे चलुक ना पढ़ हठ रंगे यारे कह से ही दुई चलुतोर मार संगे। हम में से एक या दो तो आपके साथ चलने दें, अन्यथा आप रास्ते में चोरों धूर्तों के चंगल में पड़ जाएंगे। और आप जानते हैं ये उस समय की बात है जब बड़े डकैतियां होती थी, इस तरह हाईवे ऐसे नहीं थे जैसे कि डेट आज की डेट में। आप एक जगह से निकल के जा रहे हैं, कई जगह बॉर्डर पे पुलिस बहुत तंग करती थी, क्योंकि ये जो स्टेट थे ये अलग अलग राज्यों की तरह थे, एकदम जैसे देश ही अलग अलग हों। ये तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद में सरकार ने इनको टेक ओवर किया, नहीं तो सारे अलग अलग राज्य थे, तो इनमें घुसना बड़ा मुश्किल था। फिर बीच में चोर डकैत बहुत थे, तो ये कह रहे चंगुल में फंस जाएंगे। हम में से आप जिन्हें चाहे ले लें, किंतु हर हालत में दो व्यक्तियों को अपने साथ ले जाएं। जिनको, ये नहीं कह रहा मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ, जिनको भी ले जाएं। हाँ, आप सोच लीजिए खुद ही। दक्षिणेर तीर्थ प्रभु पथ आमी सब जानी आमी संगे याई प्रभु आज्ञा दे ही तुम्हें। मैं दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों के सारे मार्ग जानता हूँ। आप अगर बोले, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, आपने सामने सुना था उनकी कथा में, नित्यानंद प्रभु ने पूरी ये यात्रा ऑलरेडी कर रखी है। सुना था आप लोगों ने, इवन चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले वो ये सारी यात्रा पहले खुद ही कर चुके हैं। तो बोले मैं इन रास्तों को जानता हूँ, यदि आप बोलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। प्रभु कहे आमी न तर्क तुम्ही सूत्रधार तुम्ही यही छे नचाओ तई छे नर्तना अमार। महाप्रभु ने कहा मैं तो नर्तक हूँ, नाचने वाला हूँ, तुम तो डोर खींचने वाले हो। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे पास तो डोर है नित्यानंद प्रभु, और मैं नाचने वाला हूँ, जैसा नचाओगे वैसे ही नाच लूंगा, तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। संन्यास करिया मी चलीला वृंदावन तुम्ही आमा लया आईले अद्वैत भवन। मैं तो संन्यास लेने के बाद जा रहा था वृंदावन, तुम ही तो नचाने वाले हो, हाँ प्रकृति के चालक तो तुम ही हो, तुम मुझे अद्वैत के घर ले गए, इसलिए इसका मतलब तुम ही कंट्रोलर हो, मैं कहाँ कंट्रोलर हूँ। मैं वृंदावन जा रहा था तो मुझे अद्वैत आचार्य के घर ले गए, आप तुम ही डिसाइड कर लो कहाँ क्या करना है। नीला चल आसीते पथे भांगीला मोरा दंड तोमा सब आर गाढ़ स्नेह आमार कार्य भंग। जगन्नाथपुरी आते समय तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया, तो तुम ही तो हो नचाने वाले। कभी मुझे कहीं ले जाते हो अपने मच्छर इच्छा से, कभी अपनी इच्छा से मेरा दंड तोड़ देते हो। मैं जानता हूँ कि तुम सबका मुझ पर स्नेह है, किंतु इससे मेरे कार्यों में बाधा पहुँचती है। जगदानंद चाहे आमा विषय भुंजाही थे यही कई सही भय चाहिते करी थे। जगदानंद कहता है कि मैं शारीरिक इंद्रिय भोग करूं, महाप्रभु ये मैं तुम्हारे लिए सुगंधित तेल लाया हूं, इस तेल को लगा लीजिए। अरे मैं सन्यासी, मैं क्या सुगंधित तेल लगाऊं, परफ्यूम लगाऊं मैं? कई बार मेरे लिए बहुत बढ़िया बेड ले आता है, ये लीजिए मैं इतना रुई इतना गुदगुदा बेड लाया हूं। अब मैं सन्यासी होके उस ऐसे बेड पे सोऊं क्या? कई बार मेरे लिए खाने को ले आता है, इतना कुछ ले आता है, मना करता हूँ तो कहता है मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे, कई दिनों तक उपवास रख लेता है। अब बताओ मैं क्या, मेरे को मजबूरी में खाना करना पड़ जाता है, मैं भयवश करता हूँ जो जो वो मुझसे कहता है, मैं भयवश करता हूँ। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो बात नहीं करेगा, अपना व्रत कर लेगा। कभू यदि इंहार वाक्य करी या अन्यथा क्रोधे तिन दिन मोरे ना ही कहे कथा। यदि कभी मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर भी लेता हूँ तो क्रोध के कारण तीन दिनों तक मुझसे बात नहीं करता। हाँ अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं ले जाऊँगा तो मैं चल रहा हूँगा यात्रा करते करते अगर कुछ घंटे ज़्यादा हो गए, ये कहेगा नहीं 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 आगे नहीं जाना है, यहीं पर आराम करना है, चैतन्य महाप्रभु आप आराम करोगे, अब आप आराम करोगे, बहुत हो गया बस, तो मैं तो मेरा तो सारा पर्पज़ ही खराब हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु आप जो है आप तो कंट्रोलर ही हैं, आपको भी क्या करें, आपके साथ कैसे जाऊं, और ये जो है ये पूरा इंद्रिय तृप्ति कराने पर तैयार रहता है मुझे, तो इसको भी नहीं ले जाऊं, तो बड़ी समस्या है।
आगे जाके चैतन्य महाप्रभु एक एक के बारे में बताएंगे कि कैसे तुम सबको ले जाना बड़ी समस्या है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो फिर भी क्योंकि भक्तों की इच्छा ऐसी नहीं थी, वो तो सेवा करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ ना कुछ करेंगे कि कोई ना कोई जाए। इसको हम देखेंगे सुनेंगे अगले सत्र में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।